वेलकम स्टूडेंट्स, अज असी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करांगे जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट वाले लैसन दे। सब तो पहला साडा क्वेश्चन हैगा, स्वस्थ समाज का निर्माण किस उपर निर्भर करता है। स्वस्थ समाज का निर्माण किस उपर निर्भर करता है? लिंग संबंध, एक दूसरे ते विश्वास, उपरोक्त विचों कोई नहीं, परस्पर प्रेम। तो साडा आंसर की आऊगा? परस्पर प्रेम। इस्त्री पुरुष संबंधा विच सब तो वध जरूरी की है? लिंग संबंध, परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, एक दूजे नू समझना। साडा आंसर आऊगा एक दूजे नू समझना। किशोर अपने आप नू मापिया दे कंट्रोल ते निगरानी तो छुटकारा पाउण दी कोशिश करदे हन। 2015 च आया होया है क्वेश्चन, क्योंकि वह चार ऑप्शन दते हुए ने, चारे ऑप्शन तुसी ध्यान नाल पढ़ने ने। निजी तौर पर पूरी आजादी प्राप्त करने वाल सेधित होंदे ने, आम तौर पर माता पिता ते बच्चों के भैड़े संबंधा करके बागी हो जाते हैं, क्योंकि वह आजादी प्राप्त करना अते अपने समाजिक संबंधा का आनंद लेना चाहते ने। आम तौर पर वाधे की गति दे संकेत हन। इन्हां उपरले तीन ऑप्शनों दे विचों यह सही नहीं है। असी आम तौर पर जिहड़ी गल आ साडी मनोविज्ञानक वह हैगी है डी, आम तौर पर वाधे की गति करके जिहड़े किशोर ने अपने मापिया की निगरानी तो छुटकारा पाउणा चाहते ने। फिर चौथा क्वेश्चन हैगा, खाण दे विकार एनोरेक्सिया निरवोसा का कारण। दसंबर 2013 दे टेट दे एग्जाम दे विच क्वेश्चन आया होया है। तो खाण दे विकार दे कारण चार ऑप्शन दते हुए ने। साडा आंसर हैगा बच्चियां दी बहुत घट मात्रा विच खाना। अगे क्वेश्चन आ, बच्चे बच्चियां दी मित्रता डैश आधारित हुंदी है। चार ऑप्शन दते हुए ने सानू, परस्पर विश्वास ते भावनावां ते तीबर संवेगां ते उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो असी कहांगे तीबर संवेगां दे उत्ते आधारित हुंदी है बच्चे बच्चियां दी मित्रता। इस समय विच जिहड़ी अवस्था है वह सैक्स बारे दुबारा जगाउंदी है। अजकल सैक्स का मजा हुण परिवार तो बाहर बन चुकिया है। यह अवस्था फ्राइड्स की साइकोसैक्सुअल थ्यूरी विच की है? 2016 दे पेपर दे विच आया होया है। तो साडा आंसर है वंशानुगत, हैरिडिटरी है। हेठां विचों केड़ा मनुखी लिंग पक्षपात नाल संबंधित है? समाजिक रुतबा, आर्थिक रुतबा, सिक्ख्या ज्ञान, उपरोक्त सारे। तो असी कहांगे कि सारी लिंग पक्षपात नाल संबंधित ने। व्यक्तिगत भिन्नतावां संबंधित ने, चार ऑप्शन दते हुए ने तुहानूं। वातावरण भिन्नतावां कारण, वंश कारण, वंश ते वातावरण कारण, वंश ते वातावरण भिन्न भिन्न प्रभावित करते ने दोने अलग अलग। तो साडा आंसर की होगा? वंश ते वातावरण कारण, क्योंकि असी पहला ही लैसन पढ़ चुके व्यक्तिगत भिन्नता वाला। फिर अगे हैगा प्रयोग खेत्र क्लासरूम विच कीता जांदा है, जबकि अध्ययन का खेत्र, प्रयोग का खेत्र क्लासरूम च कीता जांदा, अध्ययन का खेत्र कित्थे कीता जांदा है? जनसंख्या खेत्र विच। डाटा इकट्ठा करन दी प्रयोग विधि हेठां विच किस ग्राउंड विच आलोचनात्मक है? चार ऑप्शन दते हुए ने सानू, कदे कदे नियंत्रित प्रयोगां दे नतीजे असली प्रैक्टिकल हालातां विच फेल हो जांदे ने। इस तरह डाटा जीव दे कुल व्यवहार की जानकारी नहीं प्रदान करता। सिद्धांतां दा प्रयोग हेठले जानवरों उपर किते प्रयोग तो लिया जाता है, जो कि गलत नतीजे दे सकता है। उपरोक्त सारे। तो साडा आंसर की आऊगा? उपरोक्त सारे। अगे साडे कोल क्वेश्चन आ, हेठ लिखिया विचों किशोर अवस्था बारे किहड़ा कथन सही है? चार ऑप्शन दते हुए ने। खास तौर पर कुड़ियों में मुटियारपण की अवस्था मुंडे तो पहल आ जाती, एक साल पहल आ जाती है। प्रौढ़ अवस्था इकले इकले बच्चे भिन्न हो सकती है। घबरेट होने लगन वाला समा लगभग एक समान होंदा है। किशोर अवस्था
ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਮੂਲਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰਪਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਮੂਹ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਆਧਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਆਧਾਰ। ਹੇਠ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਸੁਕਰਾਤ ਅਤੇ ਰੂਸੋ ਦੋਵੇਂ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਗ ਵੰਡ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਸਮਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਮਾਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ? 1890 ਵਿੱਚ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਚਾਣ ਬਨਾਮ ਭੂਮਿਕਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਬਨਾਮ ਭੂਮਿਕਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ 'ਚ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? ਬੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਿਆਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ 1, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਓਗੇ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ? ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਓਗੇ? ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ 22ਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆ? 1 ਤਰਖਾਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰਖਾਣ ਬਣਦਾ, 1 ਐਕਟਿਵ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੁੰਭ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਅਤੇ ਮੇਲਾ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਆ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ 23 ਜੋੜੇ ਜੇਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਬਣੇ ਨੇ, 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ DNA ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਐਮੇਨਾਈਨਸ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਗਾਲਟਨ ਨੇ। ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਵਿਕਾਸ
परिपक्वता है, सीखना है, योग्यतावां दा विश्लेषण करना, ये सारे ही ने। डीएनए टेस्ट साड़ी मदद करता है, की जानने लई मदद करता है, एक व्यक्ति दे जेनेटिक्स, शख्सियत दा सुभाअ ते इसकी सूचना, ये दोवें इन्हां विचों कोई नहीं। तो असीं कहांगे एक व्यक्ति दे जेनेटिक्स ते शख्सियत दे सुभाअ ते इसकी सूचना जानने की कोशिश करता है, इसलिए आंसर है साडा ये दोवें। जॉर्जर मेंडल ते इनहेरिटेंस का नियम खोज किया, किहड़े सन च खोज किया, 1866 दे विच। कालीकट यूएसए का परिवार के तत् अध्ययन किए गए गोडार्ड। शरीरक विकास लिए हेठां दित्ते कथनां विचों किहड़ा सही है? चार ऑप्शन दिते हुए ने तुहानूं, तां इह तीन जिहड़े ऑप्शन ने सारे ठीक ने, इस लई साडा आंसर आऊगा उपरोक्त सारे। एक बच्चे का जन्म समय भार ते लंबाई हुंदी है, 33वां क्वेश्चन है साडा, चार ऑप्शन दिते हुए ने, 19 तो 20 विच ते 2.5 किलो तो 3.5 किलोग्राम दे विच वेट हुंदा है। 19 तो 20 जिहड़ी सेंटीमीटर हुंदी है वह लंबाई हुंदी है। फिर अगे हैगा जन्म समय बच्चे दे शरीर का किहड़ा हिस्सा बाकी नालों वध विकसित हुंदा है? सिर। प्यूटरी ग्रंथी शरीर का आकार ते भार नियंत्रण करती है, दे नियंत्रण द्वारा, किदे द्वारा भार नियंत्रण करती है? सेक्स हारमोन्स के द्वारा। मानसिक क्रियावां नियंत्रित हुंदियां ने नाड़ी प्रबंध द्वारा। हेठां विच धारणा निर्माण लई सही नहीं है, चार ऑप्शन दिते हुए ने, विकास धारणा विच समानता ते जनरलाइजेशन दोवें हुंदे ने, एक वस्तु की धारणा अनुभव ते उम्र नाल बदल जाती है, विकास धारणा की गति सारे व्यक्तियों विच इक्को जिनी हुंदी है, ये मानसिक विकास की अंतम प्रक्रिया है। तो धारणा निर्माण लई सही नहीं की है, विकास धारणा की गति सारे व्यक्तियों विच इक्को समान हुंदी है। एक व्यक्ति बौद्धिक तौर पर बदना बंद कर दिता है, बीस साल की उम्र तक। वह मनोविज्ञानी जिसने व्यक्तिगत भिन्नतावान का अध्ययन किया गैल्टन ने, बच्चों के भाव बालगों की तुलना में ज़्यादा तेज होंगे क्योंकि वह उन्होंने नियंत्रण नहीं कर सकते, उन्होंने बौद्धिक विकास इस उम्र में घट होंगे, ये दोवें कारण हो सकते हैं, इन्हां विचों कोई भी कारण नहीं हो सकता। तो साडा आंसर है कि इन्हां विचों कोई भी कारण नहीं है। एक बच्चे विच विशेष विकास शुरू होंगे समाजीकरण की प्रक्रिया नाल, जदों एक बच्चा स्कूल विच दाखल हुंदा है, साथियों की संगत विच, उपरोक्त सारे। तो असी कहांगे समाजीकरण की प्रक्रिया नाल। समाजिक विकास का अर्थ है दूसरे नाल दुख सांझे करना, दुख सुख सांझे करना, एक समायोजन व्यवहार विच ग्रुप के मैंबर वजो काम करना, समाजिक परिपक्वता जां उपरोक्त सारे। तो साडा आंसर समाजिक विकास बारे की होगा, सारिया गल्लां समाजिक विकास नाल संबंधित ने। लड़के लड़कियां नालों उम्र के सारे पद्धरों उपर डैश के समय तो इलावा भारे होंगे, तो एक खास समय जिथे लड़कियां का भार वध हुंदा, वैसे लड़के जड़े हुंदे ने वो सारे पद्धरों च भारी हुंदे, तो वह खास समा की है? 11 तो 14 साल की उम्र। विश्वास बनाउण दा समा है शिशुकाल, बाद दी बाल अवस्था, किशोर अवस्था, बालग अवस्था। तो साडा आंसर की आऊगा ये बाद दी बाल अवस्था। हेठां विचों केड़ी एक बच्चे की समाजिक विशेषता है? उसकी खेड़ आत्म केंद्रित है, वह अपनी माँ नूं तीसरे महीने विच पछाणदा है, वह नफरत प्यार ते आवाज़ की धुन समझदा है, जां ये सारे? तो इन्हां चारां दे विचों असीं की कहांगे बच्चे की समाजिक विशेषता की है?
ये सारिया ही उस दिया समाजिक विशेषतावां ने, इसलिए साडा आंसर आऊगा डी। अपनी मुढ़ली बाल अवस्था के दौरान बच्चा अपने बड़िया तो बहुत सारे प्रश्न पूछता है, ये उसनू दिखाता है कि दिखाता है, सृजनात्मक दिखाता है, उत्साह, जां इह दोवें जां इहनां दे विच्चों कोई नहीं, तो असीं कहांगे कि दोवें दिखाता है, उत्साह भी दिखाता है, सृजनात्मकता भी दिखाता है। बच्चे का भाषा विकास निर्भर करता है वधिया समाजिक आर्थिक वातावरण उपर, वधिया स्कूल उपर, बच्चे नू दत्ती प्रगटा की आजादी उपर, जां इह सारे उपर, तां बच्चे का भाषा विकास इन्हां सारे उपर ही निर्भर करता है। मुढ़ली बाल अवस्था विच बच्चे द्वारा ज़्यादा प्रगटाईयां जांदियां आदिम भावनावां हन, कीड़ियां भावनावां ने, उसका अपने आप नाल प्यार, उसका अपने खिडौणियां नाल प्यार, उसका अपने माता पिता नाल प्यार, जां उपरोक्त सारे, तां असीं जाणदे हां कि इह सारियां चीज़ां सही ने, तां असीं निशानी लगावांगे उपरोक्त सारे ते। हेठां विचों किहड़ी भावां दी विशेषता है, भाव ज़्यादा ताकतवर हुंदे ने, भावनात्मक अनुभव शरीरक बदलावां नाल कीते जांदे ने, भाव जन्म तो जल्दी बाद शुरू हो जांदे ने, इन्हां दे विचों सारिआं दे विचों किहड़ा ऑप्शन सही है साडा भावां दी विशेषता दे संबंध विच, तां असीं कहांगे कि सारिआं गल्लां सही ने। फिर अगे क्वेश्चन हैगा, हेठ लिखिआं विचों किहड़ा उहनां साधना साधक युक्तां ते ਪਰਵਰਗਾ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਅਨੁਕੂਲਣ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਂਡਰ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ MCQ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ।